हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एक जादू दिखाने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ रमेश जी हैं और आपको बताएंगे कि क्या इसमें जादू है। तो बताइए रमेश जी, क्या जादू हो सकता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये नारियल की तरह दिखने वाला एक पेड़ है, और पेड़ ये जो है इसको हम लोग आज चेक करके देखेंगे कि असली है कि नकली है। नकली और असली की पहचान हम लोग बता रहे हैं। अगर असली होगा तो शरीर का ताकत बराबर बना रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लेबोरेटरी हम लोग के शरीर में है, अपने हाथ में है, क्योंकि इसको हम लोग नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि का ये आविष्कार है, ऋषि मुनि का ये देन है असली नकली पहचानने का। लेकिन आज के युग में सब लोग मशीन के भरोसा करते हैं। हम लोग अपने हाथों से इसको चेक करेंगे, इसमें ताकत है या ताकत खींच लेता है। तो चलिए दिखाइए। होगा तो इसको ताकत शरीर का खींच लेगा, असली होगा तो शरीर का ताकत बना रहेगा, यही पहचान है। चलिए दिखाइए इसका क्या ताकत है। करके दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, इसे सामने कीजिए, मुट्ठी बंद है, सिर्फ दो उंगली से दबा रहा हूँ तुम्हारे पहले ताकत परीक्षण करने के लिए। मैं आपके शरीर के नहीं दबा पा रहा हूँ हाथ को, और ये इसको पकड़ लीजिए, इसको पत्ते को, कोई भी पत्ते को लो। देखिए हमने कुछ हाथ में लिया नहीं है, अब जैसे ही हम पत्ता को पकड़ेंगे देखिए क्या चमत्कार होता है। लो हाथ में पत्ता पकड़ लो, इस पत्ते से मालूम चलेगा। दोस्तों मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा हाथ नीचे ही चला जा रहा है। ताकत खींच ली। और देखिए मैंने इस पत्ती को बाहर ऐसे फेंक दिया, और फिर मैंने देखिए हाथ लगाएंगे, मैं पूरा देखिए जोर लगाया हूँ, मेरा हाथ नहीं नीचे जा रहा है, नीचे दब रहा है। इससे ये आपको प्रूफ हुआ कि ये जो पेड़ है दिखने में लग रहा है लेकिन नकली, ये नकली है, इसमें ताकत नहीं है। खत्म कर देता है इसको, हाथ में पकड़ने से ही पूरा शरीर का ताकत खींच लेता है। तो आप इस प्रकार से किसी भी चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का जांच कर सकते हैं, कोई भी वस्तु का परीक्षण ऐसे कर सकते हैं। जो फायदे लायक होगा शरीर के उसमें ताकत रहता है, वो हाथ नीचे नहीं दबेगा पकड़ने पर हाथ में, और जो नकली होगा वो हाथ दब जाएगा। चाहे आप कितना बाहुबली हो, हाथ दब ही जाना है, उसका ताकत शून्य हो जाता है। सिर्फ चलने फिरने पर ताकत बचता है शरीर में। ठीक है,